हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी इस फॉर्मेट में, राइट। सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी कि अगर कोई यूज़र कोई एक नंबर इनपुट करता है और हमें रिवर्स ऑर्डर में सारे नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं उस नंबर से लेके 1 तक के, ओके तो हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे। लाइक इन द एग्जांपल हियर वी हैव एंटर नंबर दैट इज 10 और उसके बाद में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हो रहा है, उसके ऊपर ये वाली एक लाइन लिखी हुई आ रही है। ओके, एग्जैक्टली दिस विल बी द आउटपुट दैट वी वांट। तो आपको वीडियो को अभी पॉज करना है और ये यू नो अचीव करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। इन द केस यू हैव एनी एरर, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे करना है, सो हियर इज द एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले तो हम वाइल लूप के थ्रू करेंगे, उसके बाद में फॉर लूप के थ्रू करेंगे। ओके, सो यूजिंग द वाइल लूप, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना होगा, दैट विल बी एन इंट इनपुट, ताकि हम इनपुट में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको कन्वर्ट कर पाएँ इन द इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर, राइट। तो ये तो हमारा पहला लाइन जो हमें आउटपुट में चाहिए, एंटर नंबर। ओके, नॉट अ नंबर, इज जस्ट नंबर, नाइस। तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 1, यानी जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वहाँ से लेके 1 तक, राइट। सो आई विल प्रिंट अ लाइन, प्रिंट एफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, ओके मैं यहाँ पे एक खाली ब्रेसेस छोड़ दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम एन, राइट, फिर से आगे 2 1 इन रिवर्स, राइट। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, फिर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करके लास्ट में डॉट फॉर्मेट मेथड भी यूज कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर किया था, राइट। तो फिलहाल अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं अभी के लिए, एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे डैश था आउटपुट में, अगर आप एग्जैक्टली आउटपुट चाहते हो, सो दैट्स हाउ वी विल डू इट, अदरवाइज कोई ऐसा इशू भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रिंट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा जो मोटिव है वो है फॉर लूप के वाइल लूप को प्रॉपरली समझना, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, वाइल हमको सबसे पहले नंबर चाहिए 10, फिर चाहिए 9, ठीक है। तो 10 किसके अंदर है, एन के अंदर, तो मैं यहाँ पे एन को ले लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। अब इससे होगा क्या, अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एन को, एंड देन एन माइनस इक्वल टू, सॉरी, एन माइनस 1 इक्वल टू 1, ओके। तो अगर यहाँ पे होगा क्या, n के अंदर सबसे पहले वैल्यू होगी 10, एंड 10 हमारा जो कि 1 से बड़ा है, तो कंडीशन विल बी ट्रू एंड हमारी ये स्टेटमेंट चल जाएगी प्रिंट n, तो 10 हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 10 को हम एक डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, 10 के अंदर वैल्यू हो जाएगी 9, फिर से कंडीशन चेक होगी, 9 हमारा बड़ा है 1 से, ओके, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 9, और इसी तरीके से 8 7 6, जब तक हमारा 1 नहीं आता, 1 हमारी ट्रू हो जाएगी, उसके बाद में 1 हो जाएगा 0 और नेक्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। अब मैं अगर इसको रन करूँ, यहाँ पे एंटर नंबर मैंने किया 10, तो आंसर आ गया 10 9 8 7 कुछ भी, वहाँ से लेके 1 तक। लेकिन अगर मैं आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे ये एक लाइन में प्रिंट होता है विद अ स्पेस, जबकि यहाँ पे हर एक हमारा जो भी डिजिट है वो एक न्यू लाइन के अंदर प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा था कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हैं, दैट इज एंड, राइट। और मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है, अगर उसको हटा के हम यहाँ पे स्पेस दे दें तो हमारे एक न्यू लाइन की जगह पे एक लास्ट में स्पेस आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब अगर उसको रन करते हैं एंड आई एम एंटरिंग ए नंबर लाइक 20, ओके, तो यहाँ से लेके 20 से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास में आ जाएंगे, ओके। तो इफ यू आर एंटरिंग 10, तो 10 तक के 10 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स हमारे पास में आ जाएंगे, ओके। अब अगर सेम चीज़ हमको अचीव करनी हो फॉर लूप के थ्रू, तब हम कैसे करेंगे, तो अभी के लिए मैं प्रिंट लाइन को यहाँ पे बचा लेता हूँ, बिकॉज वी विल नीड इट, ओके। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, ओके, मुझे एक रेंज चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, जो n से स्टार्ट हो और 1 तक चले, इज दैट गुड, कि वो n से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा,
दिक्कत यहाँ पे ये आएगी क्योंकि अगर एन हमारा माइनस में है ठीक है, तब तो ये लूप रन करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इंक्रीमेंट करता है राइट। अगर मैं अभी इसको रन करूंगा यहाँ पे एन को हटा के आई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हमारा आई है जो भी है ठीक है, जिसके अंदर वैल्यूज आ रही है सिक्वेंस की। अब इसको रन करूंगा तो देयर विल बी नो आंसर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस जनरेटर है बाई डिफॉल्ट +1 +1 +1 होता है। तो यहाँ पे जैसे 10 एंटर हुआ ठीक है, तो ये 10 + 1 पहले वाला 10 हुआ ठीक है, फिर 10 + 11 हुआ, तो किसी भी कंडीशन में सीक्वेंस जनरेट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 10 से स्टार्ट होगा सीक्वेंस है 10 11 12 13 14 राइट, लेकिन हमें यहाँ पे 1 पे जाना है। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंस जनरेट करना है तो आप लास्ट में कर देते हो -1। तो जो लास्ट पैरामीटर होता है वो हमारा होता है लाइक स्टेप ठीक है, कि हमें कितने स्टेप्स को गैप कितना गैप हमें चाहिए राइट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं -1 लिख देता हूँ तो ये सीक्वेंस जनरेट करेगा 10 -1 9 -1 8 -1 ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड आई विल गिव 10 हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास में 10 से लेके 2 तक के सारे आ गए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि जो लास्ट नंबर हम देते हैं उससे जस्ट एक पहले हमारा सीक्वेंस रुक जाता है राइट। तो इफ वी डू 0 हेयर तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हम चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो अगर आपको स्टेप्स के बारे में और पढ़ना है, इन द केस अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह -2 कर दूँ, तो हमारे यहाँ पे 10 8 6 इस तरीके से कुछ प्रिंट होगा। ओके दैट्स हाउ स्टेप वर्क्स, इज इट फाइन। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया हो कैसे हम किसी भी नंबर तक के नेचुरल नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।